एमएस वर्ड कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप मैक्रोस फंक्शन का यूज कर सकते हो। अब दोस्तों है क्या ये, जब हम कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिपीट होती हैं, कई बार एड्रेस रिपीट होता है, नाम रिपीट होता है, और भी कई चीजें हैं जो रिपीट होती हैं। अब उनको बार बार कट कॉपी पेस्ट कर हमारा इतना सारा टाइम चला जाता है, तो उसके लिए ये फंक्शन यूज होता है जिससे कि हम बहुत शॉर्टकट तरीके से उन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं, अच्छे से एंड तक देखिएगा बिकॉज ये आपका बहुत टाइम सेव करने वाला है। और ये पूरा कोर्स अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके साथ साथ अगर आप 50 से ज्यादा डिजिटल या टेक्निकल कोर्सेज में से जो कोर्स भी आप सीखना चाहते हो हमारे चैनल से फ्री सीख सकते हो। और आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम बहुत सारे कोर्सेज ला रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है, लेकिन ये बहुत ही आपका काम का हो सकता है। दोस्तों उसका नाम है मार्कोस फंक्शन। अब एक काम क्या करता है बेसिकली, अब आप मान लीजिए कोई भी चीज़ आपको बार बार अपने जो वर्ड फाइल में जब आप काम करते हैं तो आपको बार बार वह एक ही चीज़ लिखनी पड़ती है, तब उस एक चीज़ को दोस्तों आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक शॉर्टकट की जब भी आप प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक अपने आप राइट हो जाएगा। आप कहोगे कि सर ये अगर हमें कोई चीज़ बार बार लिखनी पड़ेगी तो मैं तो एक जगह फाइल में सेव कर दूंगा फिर कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं। लेकिन दोस्तों कॉपी पेस्ट आप कर देंगे बिल्कुल, उसके लिए आपको फाइल सेव करके भी तो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जहाँ पे भी है वहाँ पे रखनी पड़ेगी, और मान लीजिए वो फाइल खो गई तो आप समस्या में पड़ जाएंगे। तो ऐसे मामले में दोस्तों एक मार्कोस फंक्शन है जिसमें आप चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो हमेशा आपके बेसिकली जो भी वर्ड है एमएस वर्ड उसमें स्टोर रहेगी, जब चाहे तब आप एक्सेस करें। और कॉपी पेस्ट अगर आप करना भी चाहते हैं तो दोस्तों आपकी दूसरी फाइल आपको ओपन करनी पड़ती है, वहां से कर्सर ले जाके कॉपी करना पड़ता है, फिर दूसरी जगह ले जाके पेस्ट करना पड़ता है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है और एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो मैं आपको दूंगा बेसिकली कहूंगा कि मार्कोस फंक्शन का इस्तेमाल करिए। और मार्कोस फंक्शन से दोस्तों आप फॉर्मेट का भी मतलब आप कर सकते हैं, कोई फॉर्मेट भी आप कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए आप कॉपी पेस्ट तो कर लेंगे लेकिन दोस्तों फॉर्मेट थोड़ा ना कॉपी कर पाएंगे, तो चलिए आपको बताता हूँ। पहले तो मान लीजिए मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग है हमारी, तो हमें अपनी डिटेल्स लोगों को भेजनी पड़ती है, ठीक है। अब वो जो डिटेल भेजनी पड़ती है दोस्तों हमें बार बार लिखना पड़ता है, मान लीजिए मैं उसको रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा कैसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं मार्कोस फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं मार्कोस फंक्शन यहाँ पे मिलेगा आपको व्यू टैब में, और आखिरी की तरफ जब आप जाएंगे तो मार्कोस का फंक्शन होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे, एक रिकॉर्ड माइक्रो का आएगा, एक व्यू माइक्रो का। अगर आपके पास पहले से ही कोई मार्कोस की फाइल रिकॉर्डेड है तो यहाँ पे दिख जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कोई फाइल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए आपको मार्कोस को ओपन करना है। अब मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, अगर रिकॉर्डिंग के बीच में अगर आपको कहीं पे लगा कि नहीं नहीं मैं रिकॉर्डिंग तो करूंगा लेकिन अभी मैं पॉज करना चाहता हूँ, तो आप पॉज कर सकते हैं, आप रुक सकते हैं, फिर उसके बाद जब रिज्यूम करेंगे तो फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ इस तरीके से दोस्तों आप रिकॉर्ड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं रिकॉर्डिंग पे ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे सीधे सीधे मेरे को रिकॉर्ड माइक्रो का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे आपको नाम असाइन करना होगा दोस्तों, आप चाहें तो नाम असाइन कर लीजिए वरना ये अपने हिसाब से नाम असाइन कर देगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नाम बेसिकली असाइन कर दें, उससे होगा क्या, क्योंकि जब आप आएंगे ढेर सारे आपके माइक्रोस हो जाएंगे तो उसमें आपको याद करने में आसानी होगी। तो मैं इसमें बेसिकली इसमें ये देख लेता हूँ, डिटेल्स लिख देता हूँ, मतलब मुझे याद रहेगा कि हाँ डिटेल्स के नाम से मतलब हमारी जो एजेंसी का डिटेल है वो है, ठीक है ना। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है दोस्तों आपको कीबोर्ड का आएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे शॉर्टकट की बना सकते हैं जिसकी हेल्प से आप तुरंत वो चीज पेस्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की बनाता हूँ दोस्तों, तो मैं इस पर लिखूंगा कंट्रोल शिफ्ट और एम। देखिए दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट एम आ गया, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एम तीनों को एक साथ प्रेस करा तो यहाँ पे ये शॉर्टकट कीबोर्ड बन के आ चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, असाइन कर देना है, जैसे असाइन करेंगे आपको क्लोज कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका जो कर्सर होगा माउस का कर्सर उस पर आप देख सकते हैं एक कैसेट का ऑप्शन नीचे बन के आएगा, जो पुराने टाइम में आप कैसेट इस्तेमाल करते थे ना,
जिसमें अंदर काली सी एक पट्टी दो दो होती थी और उसके अंदर एक स्ट्रिप होती थी जो घूमती थी, उस तरीके की आपको कैसेट की एक स्ट्रिप दिख जाएगी। तो चलिए अब मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स लिख देता हूँ कंपनी की जो मुझे लिखनी है। देख सकते हैं दोस्तों, मैं अब यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी डिटेल अब लिख चुका हूँ। अब मुझे बेसिकली इसको थोड़ा सा सेव करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, मैं उसे ठीक कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पूरी की पूरी जो मुझे लिखना था मैं लिख चुका हूँ। अब इसके बाद बेसिकली मुझे दोस्तों इस मार्कोस फंक्शन को स्टॉप करना पड़ेगा, जो बेसिकली रिकॉर्डिंग हो रही है उसको स्टॉप करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग पे करूंगा, ये मेरा जो फंक्शन है बिल्कुल मतलब ये जो मेरी डिटेल है सेव हो जाएगी। इन बिटवीन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को अभी स्टॉप करके रखना है और कुछ और लिखना है इसमें, स्टॉप करके आप अपना कंटेंट तैयार कर लीजिए। लेकिन हाँ, आप दोबारा जब इसे रिज्यूम करेंगे उसके बाद ही आप देखिएगा दोस्तों लिखिएगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे अब स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। अब देखिए, मैंने जैसे ही स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करा है, अब ये जो मेरी पूरी डिटेल है ये अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव हो चुकी है। मैं कहीं पे भी अब इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मान लीजिए मैं दूसरे पेज पे आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे बेसिकली लिखना चाहता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, मैं देखिए सीधे शॉर्टकट की लगाऊंगा। शॉर्टकट की जो मैंने बनाई थी दोस्तों वो क्या थी आपको पता ही होगा, नहीं पता तो चलिए कोई बात नहीं, वो शॉर्टकट ये थी दोस्तों कंट्रोल। मैं यहाँ पे लिख के भी आपको बता दे रहा हूँ कि कौन सी की थी, कंट्रोल और फिर उसके बाद थी दोस्तों शिफ्ट, फिर उसके पास थी दोस्तों एम। ये की मैं अभी आपके सामने प्रेस करूंगा, ये वाली की आप देख रहे हैं, ये तीनों की मैं एक साथ प्रेस करूंगा तो देखिए पूरा का पूरा डाटा मेरे सामने अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। चलिए मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड एम। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने वो कंट्रोल शिफ्ट और एम तीनों की एक साथ प्रेस करी, ये सारा का सारा डाटा अपने आप आ चुका है। ये दोस्तों मैंने आपको बताने के लिए लिखा कि कौन सी की थी, इसका कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिलीट मार देता हूँ और आपको सामने दोबारा से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे दोबारा से कर्सर लेके आ गया हूँ और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एम दबाता हूँ, तो देखिए अपने आप ये लिखा हुआ आ गया है। देख सकते हैं ये कितना आसान है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपने इन बिटवीन लिखते समय अगर कोई गलती करी है तो वो गलती यहाँ पे नहीं सुधारी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि पहले मैंने दिल्ली की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी थी, लेकिन बाद में मैंने सुधार दी, लेकिन फिर भी वो दोस्तों सही नहीं हुआ, आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आप ये चीज़ कोई लिख रहे हैं इन बिटवीन, तो कोई दिखेगा मिसप्रिंट मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई गलती मतलब यहाँ पे कर दी तो वो ऑटोमेटिक वो रिकॉर्ड हो जाएगी और अगली बार आपको वो दुख दर्द देगी, जैसे कि हमारे केस में आप देख सकते हैं। अच्छा हुआ कि ये गलती हो भी गई, क्योंकि अगर गलती ये नहीं होती तो आपको समझा, मैं शायद मेरे दिमाग में तो पता है मुझे, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता था, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि ये क्लासेस की भी स्पेलिंग एस एच आ चुका है, तो ये भी गलती यहाँ पे आपके सामने आ रही। तो ध्यान रखिए कि लिखते समय दोस्तों कोई गलतियाँ मत करिएगा, तभी आपका ये कंटेंट बेहतर हो पाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बताऊँ आपको कि अगर आप कोई फॉर्मेट बेसिकली लिखते हैं, मान लीजिए आपने एक, मैं अभी आपके सामने कुछ नंबर लिख के दिखा देता हूँ। ये दोस्तों कुछ आपके सामने नंबर है, अब इस नंबर में बेसिकली दोनों तरफ ब्रैकेट डालना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस दोनों तरफ में दोस्तों ये ब्रैकेट इंसर्ट करना चाहता हूँ, सेकंड ये ब्रैकेट इंसर्ट करना चाहता हूँ और एक स्पेस देके मैं इस तरह से डैश मारना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि अगर मैं ऐसे करूंगा ना तो मेरे को बड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए भी मैं मार्कोस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ और बहुत ही आसान है दोस्तों मार्कोस फंक्शन का यहाँ पे इस्तेमाल करना। चलिए आइए देखते हैं आप कैसे कर सकते हैं। वैसे आप ये काम बुलेट पॉइंट से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जब बता रहे हैं तो आपको बेसिकली बता ही देते हैं। देखिए इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, कर्सर को ले जाइए उस नंबर के बिल्कुल पास में, इसको जूम कर देता हूँ ताकि, हाँ कर्सर को देखिए उसके बिल्कुल आगे लेके जाइए और उसके बाद मार्कोस पे जाइए। मार्कोस पे दोस्तों जाके रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करिए, ठीक है ना, माइक्रो। और जैसे ही आप रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बेसिकली अगर कोई नाम देना है तो आप नाम दे दीजिए, वरना जो माइक्रो है वो अपने हिसाब से नाम दे देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो नाम है वही रहने देता हूँ। तो कीबोर्ड एक बना देता हूँ दोस्तों, ये की शॉर्टकट की मैं दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट एंड मैं इसमें एन दबाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है।
कंट्रोल शिफ्ट एन के नाम से मैंने एक की बना दी और असाइन कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको करता हूँ क्लोज। अब दोस्तों मुझे करना क्या होगा, बेसिकली ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जाके बेसिकली मैं यहाँ पे रखूंगा अपना कर्सर, और यहाँ पे रखने के बाद मैं लगाऊंगा ये, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको एंड की प्रेस करना होगा, एंड की, ताकि ये कर्सर आखिरी में चला जाए। एंड की दवाई मैंने, फिर उसके बाद दोस्तों क्या मैं दे दूंगा, ये कर दूंगा क्लोज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं स्पेस देके जो मुझे डैश देना है मैं वो दे दूंगा। उसके बाद मैं डाउनवर्ड डाउनवर्ड ध्यान रखिएगा, जो जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से रखिएगा, डाउनवर्ड बटन प्रेस करूंगा, जो आपके कीबोर्ड में अपर साइड में, लोअर साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाने के लिए चार बटने दी होती है, उसमें से डाउनवर्ड की आपको दबानी है। जैसे ही दबाएंगे दोस्तों, उसके बाद आपको दोस्तों होम की दबाना है, होम की, ठीक है। तो आप होम की जब आप दबाएंगे तो आप बिल्कुल यहाँ पे पहुंच जाएंगे, और ये देखिए होम की दबाएं तो हम यहाँ पे पहुंच गए। और ये सब करने के बाद दोस्तों आपको बेसिकली कर देना है मार्कोज को, रिकॉर्ड को मतलब स्टॉप कर देना है। तो देखिए दोस्तों मार्कोज की रिकॉर्डिंग अब स्टॉप हो चुकी है, और मैंने शॉर्टकट की बना क्या बनाई थी, कंट्रोल शिफ्ट एन एंड। अब मैं दबाऊंगा दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, देखिए दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट एन, जो जैसे ही मैं प्रेस करता जा रहा हूँ ऑटोमेटिक होता जा रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एन, 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 देख रहे हैं ये। और सिर्फ आप की प्रेस करिए और ये ब्रैकेट लगता जाएगा, सब पे लगता जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि इस फॉर्मेट पे काम आएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप फॉर एग्जांपल कुछ भी पांच छह वर्ड लिख लीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी पांच छह वर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों आपके सामने ही। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ लोगों के नाम लिख देता हूँ, मैंने मैंने नाम लिख दिया दोस्तों। अब मैं वही चीज बिल्कुल जो चीज मैंने वहां पे अप्लाई करी थी, इसके दोनों तरफ ब्रैकेट अप्लाई करूंगा और एक डैश अप्लाई करूंगा। तो इसके लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट एन दबाऊंगा, देखिए दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट एन दबाया। अगर आप वहां पे बेसिकली अगर नेक्स्ट की से अगर वहां पे चले गए होते ना, एंड की नहीं दबाई होती तो एंड में माउस नहीं जाता आपका, फिर ब्रैकेट आपका यहीं बीच में ही लगता है, इन बिटवीन। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ। मैंने आपको बताया था ना दोस्तों कि जब एक प्रेस कर रहे हो तो यहाँ पे बेसिकली ये वाली ब्रैकेट डालें, उसके बाद एंड की प्रेस करें। एंड की क्यों कहा था, आखिरी में चला जाए। अगर आपने बेसिकली यहाँ पे एंड की प्रेस करने की जगह आपने बेसिकली जो आपके एरो वाली की है उसे दबा दिया होता, लेफ्ट राइट वाली, तो होता क्या कि आपने एक एरो प्रेस करा उसके बाद ये ब्रैकेट लगा दिया, तो इस केस में आनंद पे नहीं आपको पूरा का पूरा लगता। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहीं पे ही ब्रैकेट अप्लाई हो जाता, इसीलिए मैंने आपको बताया था एंड की प्रेस करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी था आपको। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे लेके गया अपना कर्सर और बेसिकली मैंने कंट्रोल शिफ्ट एन, देखिए दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, इस तरह से आप देखिए दोस्तों एक फॉर्मेट को भी कॉपी कर सकते हैं। ये फॉर्मेट है दोस्तों, ठीक है ना, ये कंटेंट कॉपी था, ये बेसिकली कंटेंट मैंने कॉपी करा था बिल्कुल एक तरीके से सेव करा था, लेकिन ये फॉर्मेट है बेसिकली, वो ब्रैकेट लगाने का फॉर्मेट है, चाहे उसे नंबर के ऊपर लगाए, चाहे उसको आप नाम के पीछे लगाए, आगे पीछे लगाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से दोस्तों आप मार्कोज फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फॉर्मेट्स को एक जगह सेव करने के लिए, या फिर कोई भी चीज़ आपको बार बार लिखनी पड़ती है तो आप उसको भी यहाँ से चीज़ों को कर सकते हैं। अब अगर आपको मार्कोज को बेसिकली अगर आपको डिलीट करना है, आप चाहते हैं कि नहीं मार्कोज अब मुझे डिलीट करना है, तो बेसिकली आप व्यू मार्कोज पे जाएं, यहाँ पे मार्कोज पे क्लिक करें। जैसे आप मार्कोज पे क्लिक करेंगे आप, पहले तो आपको डिटेल ओपन हो जाएगी, अगर आप यहाँ से भी आपको नहीं मिलता है तो मार्कोज का डाउनलोड बटन प्रेस करें, और यहाँ से भी आप वहीं पर पहुँच जाएंगे जहाँ पे आप पहले पहुँचेंगे। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों आपके सामने माइक्रो वन और डिटेल, मैंने बेसिकली जो पहला मैंने अपने डिटेल्स के नाम से बनाया था, दूसरा माइक्रो वन के नाम से बनाया था। इससे जो भी आपको डिलीट करना है आप यहाँ पे चाहिए, और यहाँ से दोस्तों आप डिलीट का बटन प्रेस कर दीजिए, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है दोस्तों नीचे की, मार्कोज इन, मतलब ये जो आपने डिटेल बेसिकली लिखी है कहाँ पे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप जितने भी वर्ड के डॉक्यूमेंट है उस सब में इस्तेमाल कर सकते हैं ये, लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉक्यूमेंट वन है नाम, आप देख पा रहे होंगे ऊपर कर्सर पे डॉक्यूमेंट वन, अगर आप डॉक्यूमेंट वन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपके मार्कोज की जो भी आपने इंसर्ट करी है या लगाई है वो सिर्फ इसी वर्ड पे इसी इसी पेज पे काम करेंगी, इसी वर्ड फाइल में काम करेंगी।
अधिकतर हम जो भी बेसिकली मार्कोस में इस्तेमाल करते हैं तो हम सभी जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसीलिए जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है उसे रहने दीजिए, वरना अपने हिसाब से सब चेंज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसको भी मैं डिलीट मार के आपको दिखाता हूँ, सेलेक्ट हो चुका है, डिलीट मैं कर देता हूँ, यहाँ से पॉपअप आएगा, यस। इस तरह से दोस्तों आप मार्कोस के फाइल को डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए उसी मार्कोस की अब मैं कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करूंगा तो अब डिटेल्स अब नहीं आएगी मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, देख सकते हैं दोस्तों ये मार्कोस फंक्शन था, बहुत काम का फंक्शन है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब मैं इस वीडियो करता हूँ समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपकी कोई क्यूरी है वो भी आप बता सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियोस कोर्सेज हम लेकर आएंगे। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग मुझसे लेना चाहते हो, हमारी एजेंसी से लेना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो या हमारे दिए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। हमने कुछ डिस्क्रिप्शन में यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक्स दिए हैं, आप चाहो तो उनको यूज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।